मैं पहले आ चुकी हूँ कश्मीर में, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। यहाँ का जो भाईचारा मैंने देखा, डिफरेंट कम्युनिटीज का आपस में आना और एक दूसरे की हेल्प करना। मैं यहाँ वेरीनाग पहली बार आई हूँ और यहाँ पे जब मैंने देखा कि लोकल कम्युनिटी हमें किस तरह से सपोर्ट कर रही थी, किस तरह से उनका हमें गाइडेंस रहा, और जो यहाँ की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह जो अथॉरिटीज आई यहाँ पे, उन्होंने हमें देखा, सिक्योरिटी का जायजा लिया और हमारी किस तरीके से उन्होंने मदद की डे टू डे वर्क में हमें, और किस तरीके से यहाँ पे एक कम्युनल हार्मनी का एक एग्जाम्पल पूरे वर्ल्ड में पेश किया। एंड आई मस्ट सजेस्ट कि जो भी कश्मीर आ रहा है तो उसको एक बार यहाँ पे आना चाहिए। ये एक काफी ज्यादा हिस्टोरिकल पिलग्रिमेज श्राइन है और यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ की जो पिक्चर्स की ब्यूटी है उसको देखना चाहिए। सबसे पहले मैं आज श्रावण पूर्णिमाशी और रक्षाबंधन पे सब देशवासियों को और इन पर्टिकुलर अपने कश्मीरी भाई बहनों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आज जो वेरीनाग उम्मू के इलाके में एक बहुत बड़ा हवन हो रहा है पिछले दो दिन से और जो अभी शाम तक भी चलेगा, आज ये जो प्राचीन उम्मू शिव टेम्पल है, काफी पुराना टेम्पल, हिस्टोरिकल टेम्पल है, ये श्री अमरनाथ जी यात्रा का पहला दर्शन माना जाता है। तो चूंकि आज अमरनाथ जी की यात्रा भी कंक्लूड हो रही है और इसलिए यहाँ पे हर साल ये हवन मनाया जाता है। आज इस हवन के अवसर पे जहाँ पे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन लेड बाई डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग और बाकी जितने भी उनके अपने साथी टीम वर्क है, मैं उनको अपनी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और खासकर जो हमारी लोकल कश्मीरी मुस्लिम भाइयों की पॉपुलेशन है, जिनके बगैर ये संभव नहीं था कि हम इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे करें, उन सबको भी हम धन्यवाद करते हैं। और साथ में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा LG साहब से ये मांग रखते हैं कि ये पहला दर्शन बनना चाहिए ताकि ये इलाका भी डेवलप हो जाए और हमारा श्राइन भी डेवलप हो जाए, तभी इसकी सैंक्टिटी बहाल रहेगी। क्योंकि अब 32 साल हमें घर से बेघर हो गए, आज यात्रा देश के अलग अलग कोने से आ गई। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में कश्मीरी पंडित फिर अपने सरजमीन पे वापस लौट के आएंगे और वो भाईचारा, कोएग्जिस्टेंस और कश्मीरियत को हम दोबारा से कंट्रीब्यूट करें। मतलब यहाँ पे महसूस ही नहीं हो रहा है कि हम लोग कश्मीर में है, मानो हम लोग जन्नत में ही है और कुछ नहीं दूसरा। मतलब मैं ऐसा कहूंगी कि ऐसी जगह हमारे पूरे देश में नहीं है, हमारे पूरे देश में और दुनिया में नहीं है। हम इसके सामने यूरोप, स्विट्जरलैंड सब फेल है। आप बिना डरे हुए आ सकते हो कश्मीर। कश्मीर कोई डरने वाली जगह है ही नहीं।